नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और हम आपकी कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। तो हाँ, बड़ी अच्छी बात जो कि अभी तक पूरी तमाम चीज़ें हुई। देखें, जो खदशात हैं वो हम उन्हीं खदशात की बात कर रहे हैं ना। जी, कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम वालेकुम मुसी भाई, अहमद एक मिनट के लिए मैं दोबारा कि सुबह मॉर्निंग शो होता है, हमने देखनी होती है आप लोग न्यूज जो पहले जो तबसरा होता है उसके ऊपर सारे मुल्कों की बातें आप करते हैं। मुझे प्लीज एक चाहता हूँ कि जो कुलभूषण यादव का केस है वो उन्होंने जाकर आलमी अदालत में लगा दिया। जब किसी वहां पे कश्मीर में किसी को फांसी देते हैं उसकी मैयत भी नहीं देते, ये इंडिया वाले मुसलमानों को कितनों को शहीद किया, तो ये आलमी अदालत में वो जो 1,00,000 बंदा इन्होंने शहीद किया हमारा मुसलमानों का कश्मीर में, वो आलमी अदालत की आंखें बंद है तो वो इन एक बंदे का जिसने आकर कितनी होली खून की खेली, कितने बम ब्लास्ट करवाए, कितने लोगों को मारा, आलमी अदालत में जो केस लेके गए हैं उनके 15-13 बंदे गए, हमारे 5 गए हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही अगर केस लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला जीतेंगे और इसको सजा होगी, जब सजा होगी तो फिर इन बातों से बाज आएगा। दूसरा, फौज की तरफ आ जाए, जो अपना उन्होंने आपने देखा वाना में जो जनूबी और शुमाली में जो 2-3-4 दफा देख चुका हूं मैं, कितना फौज ने वहां पे काम किया, काले स्कूल बनाए, सारा कुछ उन लोगों को जो टेररिस्ट थे उनको मार मार के भगाया, और फौज इतना काम करती है, इसका मतलब आप भी कह रहे थे कि एक अदारा जो है जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसका साथ दें जो ईमानदारी से काम करते, ना कि चौधरी इफ्तखार जैसे या मुल्ला फजल रहमान जैसे या वो अपना मौलाना समी लाकर जिनको पैसे मदरसे, हम ऐसों को फिर लेके आते हैं और फिर बाद में उनके जाले बन जाते हैं। जो 35 करोड़ रुपया दिया तो उसके हम जाले बाद में बन जाए, जालों को बहुत अच्छा है। ये मेरे से पहले जो प्रीवियस कॉलर आए थे दूसरे नकवी साहब, वो भी नकवी है, तो खुदा तआला जजा दे कि कम अज कम हक की बात जो है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने जो किया और जो हमें मिलता है सहाबा कराम से या अहले बैत से सबक कि सच का साथ, बेशक अकेले रह जाए, देखे लाखों में तादाद थी 72 रह गए, तो आज नाम किन का लिया जाता है, उन 72 का जो शहीद हुए, तो उन बेईमानों का नाम जो हमें चपेड़े कह रहे हैं मार रहे हैं, वो क्या मार रहे हैं, वो खुद खाएगा एक दिन जब भाग जाएगा, फिर ब्रीफ केस तैयार पड़े होते हैं, टीटे इनकी तैयार पड़ी होती है, जब ये ईट से ईट भी जाते हैं अगले दिन जहाज पे भाग जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए छलांगे मार रहे हैं क्योंकि आजकल दौर है। इंतखाब का बहन ने जिक्र किया, बहन भी थोड़ी मीठी मीठी बातें थोड़ी थोड़ी लगाती हैं इनको, तो समझ आनी चाहिए तो जो करते हैं एक दिन भरेंगे ये जो जितने भी हैं, तो इसको अभी 130 मुल्क, आप इंडिया अकेला रह गया, आप देख रहे हैं कि मूसा के घर में जो मूसा फिरौन के घर में पैदा हुआ वहां पे पला, तो इन्हीं के हाथों से अल्लाह ताला इनकी रसवाई करेगा। जो इंडिया जाकर बांग्लादेश में भी इसने कहा कि हमने मुल्क करवाया जाकर, जब ये हसीना बाजवा के पास गया ये मोदी, तो मोदी ने जो गुजरात में करवाया, हमें चाहिए कि हम कम अज कम एक कौम होकर अपने मुल्क का दिफा किया करें। और अगर खबरें जो आप लेके आते हैं बड़े जबरदस्त तबसरा होता है आपका सुबह का, तो जजाकल्ला आपका मुझे टाइम देने का भी, और इन लोगों की पट्टी खुलनी चाहिए जो हमेशा झूठ का साथ देते हैं। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। भाई मेरी बहन को सलाम अलैकुम, मोहम्मद लंदन से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद, देखिए बहन, मैं जिस तरह मैं तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, उस तरह भी तवज्जो दीजिएगा कि आपने कल न्यूज में सुना होगा, परसों से न्यूज आ रही है सिल्क रोड के मतलब, वन बेल्ट वन रोड। इसके ऊपर आपको पता है कि 20 ट्रिलियन का चाइना का ये प्रोजेक्ट है। आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में हमें क्या चाहिए, ओवरसीज आपने कान खोल लें और सुन लें, पाकिस्तान को इस वक्त दो चीजों की जरूरत है। एक तो जरूरत है लीडर का, लीडरशिप की बड़ा फुकदान है, वो लीडर कौन होगा वो अभी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में सब अपनी यूथ को, चाहे अहले तशी है अहले सुन्नत वाल जमात है, जो जो भी यूथ है, जिस जिस जिंदगी के हर शोबे में आपके पास है, आईटी में, साइंस में, फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में, जो भी है, वो पाकिस्तान के लिए तैयार करके रखें और पाकिस्तान को कल या परसों या आने वाले जो इलेक्शन के बाद है
जब लीड रहेगा उसको सब जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जैसे ही वो अपना ये हमारा प्रोग्राम प्रोजेक्ट सारा शुरू हो तो उसके बाद हमें फौरन ही जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पास यूथ जिन जिनके पास भी यूथ विंग है ना, वो अपने अपने यूथ विंग से रापा करें और हर पार्टी हर मजहब जितने भी हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि अली भाई मुझे याद है कि 2014 में जनरल मुशर्रफ साहब की जब बर्थडे पार्टी की थी हमने वेलकम स्टोर में, नजमा शहीन है अपना क्या कहते हैं वोमेन विंग की अपना सदर है वो प्रेसिडेंट है, तो उस वक्त एक डैडी ने एक कथा लिखा था मुशर्रफ साहब के लिए, अच्छा। मुशर्रफ तू है अशरफ कौम के सब रहनुमाओं में, तुझे सब याद करते हैं तूफानी इन हवाओं में, तू ही कश्ती बचा सकता है तूफान से वतन की, अब ऐ मुशर्रफ तू ही कश्ती बचा सकता है तूफान से वतन की, अब तू ही एक ना खुदा अच्छा है सारे ना खुदाओं से। तो मुशर्रफ साहब ये मैं किसी का ये नहीं, मुझे पाकिस्तान के लिए लीडर चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी में बैठा हो चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी में बैठा हो कहां बैठा हो, लेकिन इस वक्त लीडर हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ नजर आता है। इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि अली भाई कि मैं इनको एपीएम इनको कहना चाहता हूं कि जब भी लीडर आता है जनरल मुशर्रफ साहब आए हैं उनके इर्द गिर्द सिर्फ वो और सेल्फी लेने वाले, उनको नहीं पता कि दानश्वर लोग कहां बैठे हुए हैं। जनरल मुशर्रफ साहब को दानश्वर लोगों के पास लेके जाना चाहिए और वहां पे या दानश्वर लोगों को इनवाइट करें, सिर्फ और सिर्फ झुंड होता है बस तस्वीरें खिंचवा लो केक काट लो हाँ 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 बाबा कर लो एनी में चलो ये भी जनरल मुशर्रफ आएंगे तो उनसे बात करूंगा। तो बात यह है कि भाई इस वक्त जो है अपना क्या कहते हैं जो मैंने कह दिया है कि अपना हमें यूथ की हमें जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, तो बाकी ये इनके दिन गिने जा चुके हैं नवाज शरीफ साहब के, ये लीडर नहीं है। इलेक्शन में इनका इनको जो वोट देगा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा नवाज शरीफ मुस्लिम लीग को खास तौर पे, ये करप्ट हैं और अगर ये अपना सारा पैसा ये पाक लैंड वाला फ्लैट बेच के अपने बच्चों को सबको पाकिस्तान में बुलाते हैं ठीक है, तो फिर हम सोचते हैं कि ये मेहबूब वतन है। अगर ये सारा का सारा पैसा यहां पे रहता है और जो जो ये जो हमारा जो अभी अपना ग्वादर से जो पैसा जो पाकिस्तान का आएगा तो वो सारा का सारा ये वापस ले आएंगे, तो ये लीडरशिप नहीं है। तो इस वक्त पूरी दुनिया ने अली भाई तस्लीम कर लिया है, पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान इस वक्त एशिया का हार्ट है। अगर इसको छोड़ेंगे तो इनकी मौत है। ठीक है मोहम्मद भाई, वाकिफ आ गया आपका, थैंक यू वेरी मच अली भाई। तो मुझे मेरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी सब पार्टनर हैं आप भी मेरी बहन आप सारे भी सारे मिलके यूथ को प्यार करें, पाकिस्तान को जरूरत है वहां पे हमें भेजना है। थैंक यू वेरी मच अली भाई और मेरी बहन मुझे टाइम देने बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये आपसे मोसी पूछूंगा कि पहले मेरे पांच सवालों का जवाब देंगे ना तो इसके जवाब में सबके जवाब आ जाएंगे। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ जल्दी जल्दी में मुझे ये बताएं, नकवी साहब आए थे बड़े माशाल्लाह, मैंने उनकी जबान से ही अकल से पता चल गया मुझे, मेरे ख्याल में 85,000 करोड़ों में खाने में ना तो उनका कोई भाई है ना उनका कोई बाप ना कोई बेटा, कोई उनका नहीं आया 85,000 करोड़ों में, अगर एक को भी लगे होते तो उनके अंदर भी दर्द दिल होता। और मुझे पैसे लेने की बात करते हैं मेरे भाई, पैसे इंसान की जमीर की जो होती है, हम लोग बेजमीरें नहीं है और ना आपकी तरह बैठ के बार बातें करने वाले हैं। मैंने मना 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 हमें पता है कि क्या होता है, मैंने बातें नहीं होती है और डायरेक्ट बात करोगे तो मैं उठा के ना इस तरह फेंकूंगा कि सोच भी नहीं सकोगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं करते हम तो डांस लीग पे बात कर रहे हैं। वो उनका मौके है ना नकवी साहब, उनका मौके डायरेक्ट लेके बात करेंगे तो मैं तो उड़ा के रख दूंगा। वो आपको पछता है मगर जो उन्होंने पर्सनल आपकी बात की मैंने उनको रोका, बड़ा अच्छा किया आपने। मैं डांस लीग की बात कर रहा था, मेरे पांच सवालों का जवाब देंगे तो नकवी साहब का मुंह भी बंद हो जाएगा जो बड़े बात कर रहे हैं। और काश के इनके बड़ों में से किसी को कोड़ा लगा होता है कमर पे या इनके बड़ों में से किसी का जनाजा उठा होता घर से
और कोई 70,000 आदमी जो मरे हैं, कातिल का भी कोई जनाजा उठा होता तो इन्हें दर्द होता है इस बात का, हम इस दर्द को रोते हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है नकवी साहब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जनाब इमरान फजल साहब, खुश आमदीद, फरमाइए। बड़ा चुन के आप लेके आए हैं, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। और अली भाई, ये एक्चुअली जो डॉन लीक है, ये किसी को असल इसका पता है कि असल ये क्या है? है क्या चीज है? मैंने वही उनसे भी सवालात किए थे अपने कैसे, उन्होंने कहा कि बड़ी कौमी सलामती की बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, उसको लीक कर दिए सारे राज जो थे। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे आर्मी वगैरह बैठती थी और जो मुल्क के जो सीक्रेट्स होते थे उसका डायरेक्ट जो माइक्रोफोन था वो इंडिया में था। सेंसिटिव टॉक जो थी वो सारे हमारे मामला जितने सीक्रेट थे वो सारे इंडिया को जा रहे थे। बात तो यही है कि अब आके इनको थोड़ा सा पता चल रहा है कि हमारे पीछे, हम तो आपस में लड़ते रहे, मुल्क को लूटते रहे हैं, ये पीछे से क्या हो गया? ये जो दरवाजे बंद किए हुए थे ना, बैठे आपस में एक दूसरे को 90-90 करोड़ के तोहफे देते रहे और एक दूसरे को ये मतलब मराते देते रहे हैं, उसके नतीजे अब निकल रहे हैं। तो यहाँ आज मुशरफ के दौर में तो मुशरफ के दौर के बाद ही ये काम शुरू हो गया था कि हर बंदा अमेरिका से खत लिख कर बता रहा था जी सर हमें बताएं हमें क्या करना है। यानी कि ये हालात आ गए थे मुल्क के कि आपस में सियासतदान जो थे वो मराते देते थे एक दूसरे को, और नीचे जो जिनको जिनको पता होता था ये जो क्या कर रहे हैं वो डायरेक्ट अमेरिका से यानी कि कहते थे जी हमारी खिदमत दें, को पाकिस्तान को बेचने की या किसी को मरना मरवाना तो हमारे से बात करें, इस तरह का हाल हो गया था। अभी तो थोड़ा सा निकले, अल्लाह करे स्टेबल हो जाए, वरना तो अभी तो बहुत सारी बीमारियां निकले, बहुत सारी ठीक है, बहुत सारी बीमारियां निकली। बहुत शुक्रिया, एक निकली है, अभी देखिए क्या क्या निकलता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। छोटी छोटी सी कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं नकवी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। फिर नकवी साहब जो है वो मेरे ख्याल से अपने दिल पे ले गए, मेरे बुजुर्ग है, मैं माफ़ चाहता हूँ उनकी, कोई मैं नहीं करना चाह रहा था, पर्सनली बात नहीं करनी। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि खुदा के वास्ते आँख खोले और वहाँ पे आप लोगों को देखे किस तरीके से खून के आंसू रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इलाका है ना, वहां पे लियारी जाके वहां पे खून के आंसू लोग रो रहे हैं। यही लोग हैं, यही शैतान लोग हैं, इन्होंने खाए हुए गुर्बत देखे इंटीरियर सिंध में। ठीक है, आप कहते हैं कि आपके खानदान में कितने शहीद हुए हैं, तो माशाल्लाह से मेरे खानदान में लाइन लगी हुई है शहीदों की। अच्छा, आपकी जरूरत को भी सलाम है माशाल्लाह कह के। और ये कि हम लोग जो है, ये तो जहां तक बात आती है, हम ना तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना हम एमक्यूएम को सपोर्ट करते हैं, ना ये सब वक्त के यजीद है, वक्त के यजीद है, मान ले उदारा मान ले, हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा एक कौम के। हमें इमाम मेहदी के जहूर का इंतजार है के ताकि आके इन जैसों को वो काट के फेंके दूर करें। ये जाके देखे जिन घरों में लोग शहीद हुए, मैं ये जरा कराची में रह के दिखा दें, ये जरदारी के सामने वाला घर पे रह के दिखा दें, मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। ये खुद अपने आप को बचा के भागेंगे, आए दिन इनकी चोरियां चकारियां होंगी, आए दिन उनको धमकियां देता रहेगा, आए दिन ये होगा जमीने प्लॉट माफिया बैठे हुए हैं सारे, ये खा के बैठ गए, ये लोग मुल्क को खा के बैठ गए। इनके जाके देखे वो शख्स जो हेलीकॉप्टर से 2 कदम आगे नहीं चल सकता, रेड कार्पेट बिछवाता है अपना, फिर उतरता है, उतर के फिर अपनी गाड़ी में जाता है, ये मेरे ख्याल से मेरे भाई को नजर नहीं आती ये चीजें। ये वक्त के यजीद है, यजीद है, और मान लें ये यजीद है, बुरा ना माने नकवी साहब, आप प्लीज इस चीज को मान लें, ये लोग खा गए हैं मुल्क को। ये वो नस्ल है जो कुत्तों को धोया करती थी, ये वो नस्ल है जो कुत्तों को धोया करती थी। क्या मीर मुर्तजा भुट्टो शेर का बच्चा था जिसने इसकी मूंछ काटी थी, इनको वो चीज नजर नहीं आती? शेर था, उस जैसा शेर आज तक पैदा नहीं हुआ है। मीर मुर्तजा
तो ये याद रखें, तो ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के लोग हैं भाई, ये तो जरदारी से कुत्ते धोने वाली नस्ल है ये। चले ठीक है, अब यहाँ डीएनए लेकर नहीं बैठे, कौन सी नस्ल है। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी। मोहम्मद अफजल साहब जनाब, बात यह है कि अगले दिन एक साहब फरमा रहे थे कि डाउन लीज की पिच पर खेलना बुरी बात है। हाँ जी, आपने आज मौजूद रख ली है, बिल्कुल रखी है जी। वो साहब किसी चोर के नौकरी हो सकते हैं जो विग लगा कर वैसे ही लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। आपने मौजूद रख दिया है, कोई खतरे की बात नहीं है। ओके जी, खुदा मुख्तसर और बड़ी मानो खेज बात होती है अफजल साहब की। तो मौजूद अब असल में देखें, क्या सवाल का क्या जवाब, मतलब सबको मालूम है। बिल्कुल, एक बड़ी छोटी सी बात है, बात है मुल्क की सॉलिडेरिटी की, इस्तेहकाम की। ना किसी लीडर से प्रॉब्लम है, ना किसी पार्टी से प्रॉब्लम है। बड़ी अच्छी बात मेरे ख्याल मोहम्मद अली भाई ने की थी कि एक बंदा, एक लीडर हमें ऐसा चाहिए जिसका सरासर जो सरापा खुलूस हो मुल्क के लिए। हाँ, वो चाहे इस पार्टी से निकला है, निकला उस पार्टी से निकला है, जिस भी पार्टी से निकला है, हमें मंजूर है। हमें एक पुरखलूस लीडर चाहिए जो इस्लाम, जो एक मुल्क की जो इस्तेहकाम है उसको नुकसान ना पहुंचाए। जैसा कि ये डॉन लीग से एक उसका, उसी का ही एक पार्ट है। ये तो एक उसका एक करप्शन का, एक इनकी खयानत का एक बाब है। इन्होंने जो हजारों रकम, और आप देखिए अब ये क्या हो रहा है, ये गवादर में लाइन में मजदूर खड़े करके उनको फायरिंग से मार देना, मतलब आपको उर्जगान पे जून तक नहीं रहती। आप ये देखें ना, यहाँ पर एक हादसा होता है तो ये होता है कि जी सारा पार्टन ऑफ करा लिया और तहकीकात हो रही है, फिर वो रद्दी के टोकरे में शायद वो फाइल फेंक दी जाती है। सरगने क्यों नहीं मिलते? देखें, यही वो समीउल हक है जिसने कहा कि तालिबान मेरे बच्चे हैं। अब जब भी तालिबान कोई हमला करे तो इसकी गर्दन पकड़नी चाहिए। आपके साथ फिर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द फिर रहे हैं, आप उनको पकड़ने को तैयार हैं। अच्छा, अब वो लोग क्यों फजल रहमान पे हमला कर रहे हैं, इसको भी देखना चाहिए। आया उनको क्या तकलीफ है कि इसके अंडर जो सारे लोग हैं, अगर इनको मार दिया जाए तो ये सारे दाइश में या तालिबान में जमा हो जाएंगे, इसकी बहन पर भी हमला कर रहे हैं। इससे ये भी चीज वाजे हो गई कि दहशत गर्दों का कोई दीन मजहब नहीं होता। अगर होता तो अपने ही भाइयों को नहीं मारते जो कि उनके पैरोकार हैं, उन्हीं के मजहब में। मगर यह है मफाद की जंग और दहशत गर्द ही इसको जो है वो दहशत गर्दी के लिए लीड किया जा रहा है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लड़ने की बात है। हमें बड़े ठंडे दिल के साथ अपने अपने मफादात, मुल्क का मफाद देखना चाहिए। रोशन पहलू को जो है अपने दिमाग को उसको रोशन करने की जरूरत है कि देखें कि किस किस में किसके साथ बुरा सलूक हो रहा है। मुल्क के साथ हो रहा है, मुल्क के साथ जाती हो रही है, मुल्क किस नौबत पे पहुंच गया। अब हम ये सोचेंगे कि ये नहीं हमने उसकी, मैं देखें अगर वो ये चीज समझ रहे हैं, हमारे गेस्ट जो मोहतरम आए, मैं बार बार उनकी खिदमत में यही कह रहा हूँ, मैंने लोगों की खिदमत में भी, हमारे नाज़रीन की, कि हम किसी सूरत से किसी इदारे की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। ये एक वो जज्बात है, जब आप टीवी पे बैठते हैं बात करते हैं तो क्या करते हैं, आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं ना, लोगों को आवाम की जज्बात को प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे तहफ़ुज़ात हैं, आवाम फौज के साथ है। आवाम ने गिला शिकवा क्यों किया, क्योंकि आवाम ये जानते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी है फौज के पास है। और ऐसा कभी हुआ भी नहीं था अपेरेंटली, इतना मतलब नहीं, मतलब वो जंदाल आया और उसके साथ पूरी टीम आई जिनके वीजों का भी कोई खैर खबर नहीं, और वो लाहौर वो वीजे थे तो वो मरी कैसे चले गए, प्रोटोकॉल भी इनको सरकारी दिया गया। अच्छा, और जो इनकी शुगर मिल्स के अंदर से लोग पकड़े गए, उसके बाद उन्होंने जाके उनके जो डायरेक्टर है उसकी पूरी यूट्यूब के ऊपर भी वो सारी उसकी तकरीर चल रही है रॉकी कि वो कहता है कि मैं दाता दरबार पे 7 साल बैठ के आया हूँ और जिसने मेरे कान को छेदे हुए देख के कहा तो मुझे कमरे में ले गया और कहा कि मैं भी रॉक आऊं। तो ये सब जो हो रहा है तमाशा मुल्क के साथ, तो इस पर हम आवाज उठाएंगे ना, आएंगे क्यों यहाँ पर। एक और छोटी सी बात, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, ये प्रोग्राम जो आपने लगाया, मैं असल दरअसल बोल रहा हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये क्या लीक है, फौज की कौन सी चीज ऐसी जो लीक हो गई है, और फिर फौज तो हमारी अपनी है तो वो पूरे अवाम का मसला है, ये फौज और हुकूमत का मसला तो नहीं चाहे करो अंदर अंदर से हल कर लिया, अवाम को तो पता चलना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि ये तमाम चीजों का यही तो मसला है, हम इसी पे तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त जो है वो
اپنے خطاب کو پہنچ رہا ہے. میں بس یہ چھوٹا سا پوائنٹ بتانا چاہی تھی کہ بہت سارے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جندل کے ساتھ اس کا اپنے ذاتی تعلقات ہیں, وزیر اعظم جب بنتا ہے تو وہ پورا ملک ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ عوام کی ہر ایک چیز کا محافظ ہے. کیسے ذاتی تعلقات, کیسے دشمن جو پاکستان کا اس کے ساتھ, وہ بھی اتنے بڑے دشمن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی انتہائی سینسٹیو قسم کی ایک جو ہے وار چل رہی ہے, اسی پہ تو لوگ پڑ رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے آپس میں پرانے تعلقات ہیں, کیوں تعلقات ہیں کیوں آپ کے, اگر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, آپ جا کر مودی کے ساتھ کریں ہوں گے, ہم آپ کو ووٹ دیتے اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنے پرانے ذاتی تعلقات دشمن کے ساتھ. حیرت والی باتیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں اظہر خان بول رہا ہوں. جی اظہر خان صاحب, خوش آمدید. اس دن بلوچستان میں مزدور مارے گئے, اس سے پہلے جیو آئی تو ادھر بھی بم پھٹا. تو یہ کتنے مدت سے یہ ان اسمبلیوں میں ہیں, انہوں نے کوئی سیکورٹی نہیں بنائی, یہی ہمارا رونا ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. لوگ کیا جا رہا, لوگ نہیں, نیٹورک پکڑ کے لاؤ نا, جس قابل نہیں ہے کہ نیٹورک نہ پکڑ. اور یہی کام میں اس پر ابھی پی ٹی آئی والوں سے بھی بات کروں گا, کیوں عمران خان صاحب نے مولانا سمیع الحق کو 30 کروڑ روپے دیے, کیوں؟ ایک آدمی جو ہے ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گردوں کہہ رہے ہیں, میں ان کا باپ ہوں, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, گھبراتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ بکی ہوئی قوم ہے, یہ بکے ہوئے لیڈر ہیں, ہم اگر اقرار بھی کر لیں گے کہ طالبان ہمارے بچے ہیں, اور یہ بھی کہہ, اس نے کہا اور ایک نصیر اللہ بابر نے کہا کہ طالبان میرے بچے ہیں. تیسرا شخص جو واصل جہنم ہوا آپ کا جنرل امیت گل, مگر بعد میں اس کو پتا چلا, خود بھی اس نے ریئلائز کیا, اور اس کی کچھ ویڈیوز گھوم رہی ہیں اس کے اوپر جو اس نے کریٹیسائز کیا اور اپنی غلطی کا احساس کیا, مگر کام وہ اتنا برا کر گیا, اس میں ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے مر گئے, در بدر ہو گئے. ہاں ظاہر بات ہے وہ ایجنسی کا معاملہ ہے, مگر یہ تین لوگ میڈیا کے اوپر آئے, نصیر اللہ بابر, جنرل حمید گل اور مولانا سمیع الحق, انہوں نے طالبان کو اپنے بچے کہا اور یہ تو خود اپنے آپ کو طالبان کا باپ کہا. تو اب اگر کہیں پر طالبان مارتے ہیں, کچھ لوگ مرتے ہیں, تو ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ عمران خان صاحب جو کہ ایک نئی پولیٹیکل فورس کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں اور بہت انصاف کی بات کر رہے ہیں اور بڑی باتیں کر رہے ہیں, تبدیلی کی 30 کروڑ تو جا کے آپ نے انہیں کی جھولی میں ڈال دیے کہ یہ لو بھائی تمہاری گولیاں گرنیڈ بارود کم ہو گیا ہے, یہ لو پیسے خریدو مارو پاکستانیوں کو. تو یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے نا, یہ بےتکی باتیں چل رہی ہیں, ہم اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ کسی سے پرسنل نہیں ہے, نواز شریف صاحب سے بھی نہیں ہے, کل اچھا کام کریں, بسم اللہ ملک کو آگے لے کے چلیں. یہی بات آج صبح سیگمنٹ میں بتائی کہ جو زیارت جامعہ کبیرہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ سیاست جو ہے وہ دین کے گرد نہیں گھومتی ہے, نہ کہ دین سیاست کے گرد گھومتا ہے, یعنی جس طرف چاہتے ہیں دین کو اپنے سیاست کے حساب سے موڑ لیتے ہیں, جبکہ جو کانسیپٹ ہے سیاست کا دین میں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, میرا خیال ہے کہ میں لیکن ایک کچھ اشعار ہیں مجھے ضرور پڑھنے, علی بھائی وہ جاتے ہوئے بہت ہی انسپریشنل ہیں. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار, کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں یاروں کی آخری منزل, کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق کے ظلمت نور, سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام, بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور, نشات وصل حلال و عذاب پہ ہجر حرام, کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں, کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی, ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر نہیں, ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار, کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, امید کرتے ہیں کہ ایک دن اس صبح ضرور ہوگی, ایک دن روشنی جو ہے وہ ان تاریک راستوں میں سے ہمیں ضرور نظر آئے گی, اور اس امید کی کرن کو لے کر ہی ہم اپنی زندگی کو, اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری اور آپ کی ملاقات اب کل ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.